झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन विधानसभा की सदस्य से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने आज 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं। हेमंत सोरेन इसके बाद दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दरअसल हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद के मामले में हाल ही में चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजी थी। इसमें सोरेन की विधानसभा सदस्य रद्द करने की सलाह दी गई थी। हालांकि राज्यपाल रमेश ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। हेमंत सोरेन की विधायकी पर संकट के बीच सूबे में सियासी उथल पुथल जारी है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर के रिसोर्ट में ठहराया गया है। सोरेन सरकार का आरोप था कि बीजेपी द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने राज्यपाल के पास एक शिकायत भेजी गई थी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा जारी करके चुनाव कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। बीजेपी ने मांग की थी कि हेमंत सोरेन को लाभ पद के मामले में विधायक की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। इस पर राज्यपाल ने चुनाव आयोग से सिफारिश मांगी थी। संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत किसी सदस्य का अयोग्य ठहराने के मामले में अंतिम फैसला राज्यपाल का करना होता है। हालांकि ऐसे किसी भी मामले में कोई निर्णय देने के लिए पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय लेनी होती है और उसी के मुताबिक फैसला करना होता है।